अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों मैं हूँ आपका फ्रेंड साहू। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है +19042891150। दोस्तों लास्ट टाइम भी मैंने सिंगल 3 और 1 दिया था तो रिज़ल्ट आया 134। अभी भी मेरे पास पोजीशन का फिगर है, कंफर्म डिजिट है मेरे पास। पोजीशन का डिजिट दूंगा तो जिस दोस्त को भी चाहिए वो इस व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके रब्ता कर सकता है। तो जिस दोस्त को भी सिंगल डिजिट चाहिए पोजीशन का कंफर्म डिजिट तो वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर ले। ओके दोस्तों, अभी थोड़ा नेटवर्क का इशू है इसलिए मैं बाकी वीडियो नहीं डाल रहा, तो जैसे ही नेट होगा तो मैं फिर, क्योंकि वो 5-6 मिनट की वीडियो होती है तो उसमें फिर ये अपलोडिंग में मसला होता है। अभी के लिए यह है कि इस ड्रा का जो रिज़ल्ट लास्ट का आया, मैंने 3-1 दिया था, वो दोनों डिजिट आ गए गेम में। अभी मेरे पास इसी तरह कंफर्म डिजिट है, उसके साथ पेयर है, स्ट्रॉन्ग पेयर। तो जिस दोस्त को भी चाहिए वो मुझसे व्हाट्सएप पे नंबर पे रब्ता करके वो ले सकता है। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों ये एक सेट 500500, ये 3 बार ओपन हुआ है। फर्स्ट टाइम 1983 में, सेकंड टाइम 2003 में और थर्ड टाइम यहाँ पे 2012 में। तो हम ये रूटीन कहाँ से कैसे चली मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 500 लगा थर्ड टाइम, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे रिज़ल्ट आना है। तो इससे पहले जो 2 रूटीन में क्या आया और अब यहाँ पे क्या आने के चांस है टोटल का मैं आपको बता देता हूँ। देखें दोस्तों, जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस 500 से आप काउंटिंग करेंगे जब 1993 में, तो यहाँ पे सेट लगा 7 ड्रॉ क्रॉस में आके 3 1 1, तो टोटल लगा 5। उसके बाद दोस्तों 2003 में लगा टोटल 9 और अभी यहाँ पे टोटल कौन सा है देखें दोस्तों, टोटल ये 5 का लगा तो इसमें हम प्लस करेंगे 4 = 9 के। तो सेकंड टाइम जब ये टोटल लगा तो यहाँ पे ये टोटल 9 का आगे लगा। अब 9 + 4 = 3 के, तो यहाँ पे टोटल आना चाहिए इस रूटीन से 3 का, ठीक है। यानी ये 5 + 4 9 + 4 3, फिर क्यों आना चाहिए जब ये टोटल 5 का लगा तो यहाँ से 1 2 3 4, 4 साल पहले 4 ड्रा पहले ये टोटल सेम 5 पे 5 का आया, फिर यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल 9 का ही था और वही टोटल 9 का यहाँ पे आया और अब यहाँ पे यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल 3 का पड़ा है, तो यही टोटल यहाँ पे आ जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे सेट कौन सा बन रहा है। तो देखें दोस्तों, जब ये टोटल 5 पे 5 का आया तो ये ऊपर का टोटल, मिडिल का डिजिट और ये 5 टोटल, इन तीनों को प्लस करेंगे 4 + 3 + 5 = 2 के। यानी ये टोटल मिडिल का डिजिट और टोटल तीनों को प्लस करके बना 2। तो फिर ये क्रॉस का लास्ट डिजिट, ये मिडिल का और ये एच, ये भी बना 2, ठीक है। और जब ये 2 2 बना, ये टोटल मिडिल और टोटल 2 बना, तो ये लास्ट डिजिट, ये मिडिल डिजिट और ये फर्स्ट डिजिट, ये भी 2 बना। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे ये टोटल लगा था 7 का, ये 0 मिडिल का डिजिट और टोटल 9, तो ये तीनों का बना 6। तो फिर ये 1, ये 6 लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये 1 0 और 5 का भी बना 6। अब इस रूटीन से अगर हम इस चीज़ को फॉलो करें तो ये 8 + 3 + 3 = 4 के। तो अभी क्रॉस में 4 बनाने के लिए 9
दोस्तों भी मर जाते हैं पेयर पे। तो ये 8 प्लस 3 बना 1, तो यहाँ पे मिडल में ले लिया क्योंकि तो यहाँ पे डबल ही गेम खुली है, तो ये 2 1 लग गई यहाँ पे। फिर ये दोनों को प्लस करके बना 7, तो ये डबल 7 लग गया। यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो फिर वो टोटल नहीं बनता, ठीक है, कि वो टोटल अभी अगर हम रूटीन वाइज फॉर एग्जांपल 7 को लास्ट या 7 को मिडिल में ले लेते हैं, तो इस हिसाब से ये 2 4 7 या 2 7 4 की पोजीशन में ये सेट बनता है। लेकिन क्यों पहली बार पहले 2 बार डबल गेम ओपन हुई है, तो अगर इस रूटीन को फॉलो करें तो ये सेट बन रहा है। लेकिन एक और रूटीन, दूसरी रूटीन में आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या चल रहा है। अगर हम सीधा सीधा देखें यहाँ पे, तो ये 3 एज का बना 9, फिर यहाँ पे 3 एज का भी बना 9। अगर यहाँ पे 3 एज का 9 बने तो ये 0 1 और 8 एज में आ जाए, तो जब ये 8 आएगा तो 5 प्लस 8 3, तो लास्ट या मिडिल डिजिट 3। तो इस हिसाब से सेट क्या बनेगा, 8 3 2 या 8 2 3, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 रूटीनें थी जिससे ये सेट निकल रहा है, बहरहाल टोटल इसमें परफेक्ट आ रहा है। सेट का तो कोई भरोसा नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। बड़ो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।